फर्नीचर नया हो तो जचता है, पुराना हो तो खटकता है, लेकिन इस सोच को तब्दील कर रही है इस्लामाबाद की नादिया हसन। फर्नीचर की वर्कशॉप्स तो बहुत हैं, लेकिन घर में खुली ये वर्कशॉप जरा अलग है। नादिया ने अपने घर के तहखाने को वर्कशॉप में बदला और रंगों से खेलने के शौक को परवान चढ़ाया। पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई और अब पुराने फर्नीचर्स पर रंगाई। नादिया की तख्लीकी कामिशें देखने के काबिल हैं। पेंटिंग ब्रश, मुख्तलिफ रंग और नक्शोनिगारी के औजार, नादिया इन सब के इस्तेमाल से पुराने फर्नीचर की हालत बदल देती है। पुराने फर्नीचर को लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि अपना पुराना फर्नीचर पेंट करें, अपना पुराना फर्नीचर रिवैम्प करवाएं, वही यूज़ करें, तो हम बड़े सटल तरीके से उनको मना कर रहे हैं कि वो नया फर्नीचर ना खरीदें। नादिया ने 4 साल पहले पुराने फर्नीचर को दोबारा इस्तेमाल में लाने का काम शुरू किया। सोशल मीडिया पर अपनी कारीगरी लोगों को दिखाई तो हर एक तारीफ करता नजर आया। नादिया का कहना है कि घरेलू ख्वातीन अगर शौक को कारोबार में बदल दे तो मुल्की मईशत पर भी मुस्बित असरात होते हैं। 50% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान इज वुमेन, अगर वो 50% वर्क फोर्स में इंक्लूड हो जाती है तो ये एक बहुत रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी बेहतर करने का। नादिया हसन नौजवान लड़कियों को भी फर्नीचर पेंटिंग की ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो भी अपना कारोबार शुरू कर सकें। मैं वर्कशॉप्स करवाती हूँ फर्नीचर पेंटिंग की, और बड़ी ही थॉरो किस्म की वर्कशॉप होती है जिसमें ना सिर्फ मैं उनको फर्नीचर पेंटिंग सिखाती हूँ बल्कि वो तमाम चीज़ें जो फर्नीचर पेंटिंग का बिजनेस सेटअप करने के लिए ज़रूरी हैं वो मैं सिखाती हूँ।